एनल फिशर या गुच्चेर? देखिए, लोग ना काफी कंफ्यूज रहते हैं जब उनको स्टूल करते हुए पेन होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे पाइल्स या बवासीर हो गया है। जबकि सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है फिशर, एनल फिशर। एनल फिशर या गुच्चेर जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका मतलब क्या है कि जब हार्ड स्टूल आया तो आपकी जो स्किन है या म्यूकोजा है उस वाले एरिया की, वो छिल जाती है, तो वहां पर एक घाव बन जाता है, उसको एनल फिशर बोलते हैं। और एनल फिशर जब होता है तो बॉडी हीलिंग करती है। बॉडी क्या करती है कि उस एरिया को टाइट कर लेती है कि आप दोबारा से उस एरिया में स्टूल पास ना करें, जिससे कि वो हील हो जाए। लेकिन स्टूल तो रोज आता है, तो वो प्रोसेस डेली होने लग जाता है। अगर हार्ड स्टूल डेली आ रहा है तो रोज वो छिलता रहता है, पेन बढ़ता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप स्टूल जाते हुए डरने लग जाते हैं कि अगर मोशन गए या तो आधा घंटा लगेगा या फिर इतना दर्द होगा कि सहन नहीं होगा। और उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है जो कि स्टार्टिंग में ही होती है। जबकि जो बवासीर या हिमरॉइड्स है उसमें ब्लीडिंग स्टूल करने के एंड पे होती है, और वो टिप 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 करके गिरती है, जैसे किसी ने नलका खोल दिया हो। तो अगर आपको पाइल्स या फिशर के अंदर डिफरेंस जानना है, तो आप ये जानें कि फिशर जो है उसके अंदर पेन होगा आपको, और सबसे पहली जो बीमारी होती है उस वाले एरिया में वो फिशर होती है। उसके बाद आप जोर लगाना शुरू करते हैं, उससे पाइल्स बनता है, और अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर, क्योंकि स्टूल आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो एनोरेक्टल एब्सेस और लेटर ऑन फिस्टुला बनता है। थैंक यू।